Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is gurur nahi karna. Students, khud ko bada samajhna gurur kehlata hai. Khud ko bartar samajhna aur dusron ko kamtar samajhna, apne aap ko bahut zyada acha samajhna aur dusron ko bura samajhna, ye gurur kehlata hai. तो हमें इससे बचना चाहिए और इससे परहेज़ करना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मैसेज. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज टुडेज लेक्चर इज़ फॉर क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 5. यूनिट टाइटल इज़ ट्रैफिक सेंस. यूनिट टाइटल इज़ ट्रैफिक सेंस एंड आवर टॉपिक इज़ words meanings. Students, हम लोग अपने previous lecture में unit 4 कर चुके हैं, जिसमें हमने rain in summer के बारे में पढ़ा. किस तरह से वो chapter में हमने read किया कि जब बारिश होती है तो क्या conditions होती हैं, और इसके अलावा हमने और बहुत सारी चीज़ें सीखी. आज हम अपना new chapter start कर रहे हैं, which name is traffic sense. जी हाँ, traffic sense mean ट्रैफिक का शऊर, ट्रैफिक की अकल, समझ बूझ. हमें बाज़ुकात सफ़र करना पड़ता है, हमें बाज़ुकात एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसके लिए हमें व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी गाड़ियों का. और अगर हमें यही ना पता हो कि जिस रोड पे हम जा रहे हैं, जिस सड़क पे हम सफ़र कर रहे हैं, उसके क्या उसूल हैं, उसके क्या रूल्स हैं, तो हम किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, रोड की तरफ जाते हैं, तो हमें ट्रैफिक के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि सड़क किस तरह पार करनी है, किस तरह से पार करनी है, और अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें किस तरह से गाड़ी चलानी है. इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा. तो चलिए आज हम लोग इसकी वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं. मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं और उनके मीनिंग्स लिखे हैं, ताकि लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको एक अच्छे तरीके से बता दिया जाए कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ नए मीनिंग्स जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़े वो अब पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्ड्स मीनिंग्स. स्टूडेंट्स, जब एक सिंगल वर्ड होगा तो हम उसको वर्ड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं तो हम इनको वर्ड्स बोल रहे हैं. ठीक है, एक होगा तो उसको हम वर्ड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट आर वर्ड्स वर्ड्स मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स, जी हाँ, पहला लफ्ज है एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स मीन हादसात. ये एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर है एक्सीडेंट, यानी हादसा. ठीक है जी, तो ये उसकी जमा है एक्सीडेंट्स, यानी हादसात. नेक्स्ट वर्ड इज केयरलेसनेस. केयरलेसनेस, स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लेंथी भी होते हैं और पढ़ने में थोड़े मुश्किल होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम सिलेब में चेंज करते हैं, पार्ट्स में चेंज करते हैं, हिस्सों में, ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो सके. मैंने आपके सामने ये वर्ड हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा है, ताकि आपको क्लियरली इसकी समझ आ जाए. केयरलेसनेस, तो ये वर्ड बन गया केयरलेसनेस. केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन लापरवाही. केयरलेसनेस मीन लापरवाही, यानी परवाह ना करना, गैर जिम्मेदारी का सबूत देना, इसको कहते हैं केयरलेसनेस. नेक्स्ट वर्ड इज व्हीकल. व्हीकल, व्हीकल मीन गाड़ी. व्हीकल मीन गाड़ी. नेक्स्ट वर्ड इज सेफ्टी.
सेफ्टी 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 मीन हिफाजत सेफ्टी मीन हिफाजत. अगला वर्ड है हमारे पास अवेयर 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 मीन बाखबर अवेयर मीन बाखबर बाखबर यानी खबर रखने वाला एक्टिव जिसको सारी खबर हो. ट्रैफिक सेंस ट्रैफिक सेंस ट्रैफिक का शऊर ट्रैफिक का शऊर शऊर मतलब अकल समझ बूझ. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड इज सिंपल रूल्स सिंपल रूल्स सिंपल रूल्स मीन सादा उसूल सादा उसूल. नेक्स्ट वर्ड इज मूवमेंट 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 मीन लम्हा मूवमेंट मीन लम्हा. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या वर्ड है. जी तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यूजुअली 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 मीन आमतौर पर यूजुअली मीन आमतौर पर. यहाँ पे हमने एस की साउंड को स्किप किया है और हमने यू की साउंड पे फोकस किया है ज़्यादा. ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे एस की साउंड नहीं रखेंगे एस साइलेंट है हम इसको बोलेंगे यूजुअली. नेक्स्ट वर्ड इज रिस्क 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 मीन खतरा रिस्क मीन खतरा. नेक्स्ट वर्ड इज मिनिमाइज 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 मीन कम मिनिमाइज मीन कम. नेक्स्ट वर्ड इज वेट 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 मीन इंतजार वेट मीन इंतजार. जी हाँ इसी तरह एक और वर्ड है जिसमें हम लोग W E I G H T लेकिन उसको बोलते वेट ही हैं उसका मीनिंग है वजन. ठीक है तो वो वाला वेट नहीं वजन वाला नहीं ये W A I T वेट है इसका मीनिंग है इंतज़ार. सो आपने इनको मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल 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 मीन जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल मीन जिम्मेदार. क्यू 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 मीन कतार क्यू मीन कतार. जी हाँ लाइन को कहते हैं कतार. ठीक है जी जो हम लाइन बनाते हैं उसको कहते हैं कतार. लास्ट वर्ड इज सीरियस 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 मीन संगीन सीरियस मीन संगीन. जी तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के वर्ड्स मीनिंग्स. आई होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको हमारे आज के लेसन के टाइटल का भी पता चल गया होगा कि लेसन का टाइटल क्या है. टुडेज टाइटल इज ट्रैफिक सेंस. जी स्टूडेंट्स हमने इनके वर्ड्स मीनिंग अच्छे से पढ़े हैं आपने इनको अपनी नीट नोटबुक पे खूबसूरत हैंडराइटिंग के साथ लिखना है और याद भी करना है. मेरी वालदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को लेसन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाएं. तो आज के लिए बस इतना ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए. स्टे होम स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.